दिल, जर्फ और चाय का कप हमेशा बड़ा रखना चाहिए। ब्रेकअप के बाद अक्सर लड़कियां ट्यूशन सेंटर खोल लेती हैं और फिर बच्चों को कोट कोट कर सारे बदले लेती हैं। अगर आपको सिलाई कढ़ाई आती है तो इस राज का पर्दा कभी मत उठाएं, वरना बाकी की सारी जिंदगी खानदानी दर्जन बनकर गुजारनी पड़ेगी। तेरी बेवफाई के बाद मैंने छोड़ दिए जिंदगी के मेले, अब रहता हूँ गांव में और रख लिए हैं ले 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 ले। मेरी शाम को सनवार दो, मेरी रातों को करार दो, मुझे यूपीएस उधार दो या फिर एक जनरेटर की तार दो, या बस फिर ऐसा करो कि मेरा पनका ही उतार दो। मोहब्बत पहले अंधी थी लेकिन अब उसने अपना इलाज करवा लिया है, अब मोहब्बत शक्ल भी देखती है और बैंक बैलेंस भी देखती है। लोगों को मैसेजेस आते हैं लव यू जान, मिस यू जान, और मुझे मैसेज आते हैं अगर ये मैसेज 25 लोगों को सेंड ना किया तो अजाब आएगा। हिंदुस्तान में खानों के चर्चे हैं, शाहरुख खान, सुलेमान खान, जबकि पाकिस्तान में खान पर पर्चे हैं। उसकी याद में जाम हाथ में उठा लिया, फिर लगाया ब्रेड पर और फटाफट खा लिया, दुख अपनी जगह और पोख अपनी जगह। छोटे कद की लड़की और शहद की मक्खी दोनों छोटी जरूर होती हैं मगर खतरनाक होती हैं। मर्द की एक खामी ये भी होती है कि वो मोहब्बत का इजहार करके बड़ी जल्दी बुराक हो जाता है। कहते हैं कि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं जहां भी जाता हूं अपना चार्जर साथ लेकर जाता हूं। प्यार और प्यास में बस एक नुक्ते का फर्क होता है, काम दोनों का एक ही होता है, रुलाना रुलाना। सबसे ज्यादा साथ तो मोटापा देता है, एक बार आ जाए तो फिर जिंदगी भर साथ निभाता है। मेहमानों के साथ आए हुए बच्चे भी महबूब के नखरों की तरह होते हैं, बर्दाश्त भी नहीं होते और बंदा कुछ कह भी नहीं सकता। खाक शादी होनी है हमारी तो यस्सू पंजू में भी कभी डोली नहीं आई। कुछ भी हो लेकिन गर्मियों में पंखा चलाकर बैठो तो उड़ते हुए बालों को देखकर एक्टर वाली फीलिंग्स लाजमी आती है। मेच्योरिटी अपनी जगह मगर मेहमानों से बांच कर आने वाले समोसे और पकोड़े अपनी जगह। सोच रहा हूँ कि घर का नाम यूनिवर्सिटी रख लूं क्योंकि यहाँ भी मुझे सभी लेक्चर देते हैं।